अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर इसरार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। बात करते हैं PSL के हवाले से, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच की, जो कि ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने 12 रन से जीत लिया है और इस्लामाबाद की टीम इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। अब पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला लाहौर कलंदर होगा कल। जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। सबसे पहले आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 183 रन बनाए फॉर 820 ओवर में। ये पेशावर ज़ल्मी ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, उसके मुताबिक रन कम बनाए थे, जिसमें देखा जाए तो शामिम अयूब अज 23 रन बना सके 16 बॉल पे। बाबर आजम ने शानदार इनिंग खेलते हुए 64 किए 39 बॉल पे। उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टार्ट लिया था बाबर आजम ने, खास करके उनके शॉट देखने वाले थे, शानदार टाइमिंग रही उनकी आज, और उन्होंने तेज़ भी खेला। 164 का स्ट्राइक रेट रहा, पिच के लिहाज से उनकी अच्छी इनिंग है। सबसे असिबुल्ला खान ने 15 किए 11 बॉल पे। मोहम्मद हारिस ने 34 किए 17 बॉल पे, उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। टॉम कार्डमोर ने 16 किए 22 बॉल पे, आज फंसे फंसे लग रहे थे और फास्ट पे उनको थोड़ा मसला पेश आ रहा, स्पिन के खिलाफ वो अच्छा खेल रहा। जिमी निशिम ने 2 रन बनाए और अहमद जमाल ने 1 रन बनाए। अजमतुल्ला मिर्जई ने 10 रन बनाए और बाब रियाज 0 रन। बॉलिंग की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, फजल हक फारूकी 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। फाइव मशरफ 3 ओवर 29 रन 1 विकेट। हसन अली 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। मोहम्मद वसीम 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। शदाब खान 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। मुदसर खान 1 ओवर 7 रन और कोई विकेट नहीं ली। देखा जाए तो बॉलिंग इस्लामाबाद ने पहले हाथ भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल हुआ। लास्ट पे बॉलिंग इस्लामाबाद ने अच्छी की है, नहीं वो अगर वो भी अच्छी ना करते तो ये 210 या 200 तक होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात की जा रही है, मतलब अगरबाज ने 10 बनाए 7 बॉल पे। एलेक्स हेल्स ने अच्छी इनिंग के लिए, उन्होंने 57 किए 37 बॉल पे। सोई मकसूद को आज मौका दिया गया था, उन्होंने 16 किए 48 बॉल पे, शानदार इनिंग रही उनकी जन्म से, लेकिन थोड़े स्लो खेली उन्होंने। आजम खान 2 रन बना सके 3 बॉल खेल के और कॉलिन मनरो ने 9 बॉल खेल के 4 रन बनाए। वो आज बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हीं की वजह से ये मैच हारे हैं। अगर 9 बॉल पे 10 या 20 रन होते तो शायद हो सकता था इस्लामाबाद ये मैच जीत भी सकती थी। फाइम अशरफ ने 5 किए, वो रन आउट हुए, अनलकी रहे, वो गिरे और उसके बाद आउट हो गए। शदाब खान ने अच्छी कैमियो खेली लेकिन टीम को जितवा नहीं सके, उन्होंने 12 बॉल खेल पे 26 रन किए। हसन अली ने 0 और बॉलिंग की बात की जाए तो मुजीब सदरान 4 ओवर 30 रन, अजमतुल्ला उमरजई 4 ओवर 33 रन 1 विकेट, वहाब रियाज 2 ओवर 28 रन 14 की इकानवी से। अमर जमाल ने शानदार बॉलिंग करते हुए 36 रन 2 विकेट ली हैं उन्होंने। जेमी निशम 2 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। और सलमान अरशाद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 ओवर 80 रन 2 विकेट, उन्होंने शानदार बॉलिंग की है। ये मैन ऑफ द मैच सलमान अरशाद को देना चाहिए था लेकिन अमर जमाल को दिया गया। ये भी अच्छा, अमर जमाल ने भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीड से गेंदें की हैं, 150 तक भी उनकी स्पीड गई है। और देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम पिछली दफ़ा भी क्वालिफायर पे एलिमिनेटर से बाहर हुई थी और इस दफ़ा भी बाहर हो चुकी है। इस्लामाबाद की टीम इस PSL से आउट हो चुकी है और पेशावर ज़ल्मी और बामुकाबला लाहौर के अंदर मैच होगा। जो भी टीम कल मैच जीतेगी वो इतवार को जो फाइनल खेला जाना था वो अब हफ्ते को शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि बारिश के चांसेस हैं तो मैच एक दिन पीछे हफ्ते को होगा अब, और वो टीम हफ्ते को फाइनल खेलेगी मुल्तान सुल्तान के साथ। पेशावर ज़ल्मी ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है उसके अलावा, और बॉलिंग भी अच्छी की है लास्ट पे आके। और पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच जीते हुए थे 41 रन बॉल पे 60 रन से, ये थे ऑलमोस्ट, लग रहा था इस्लामाबाद वन साइडेड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद अच्छा कम बैक किया है और ये मैच जीत चुके हैं। और ये बाबर आजम को पास एक और मौका है कि वो कल का मैच भी जीतें और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन लाहौर कलंदर की बॉलिंग इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और देखना होगा कल का शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।